मेरा पुत्र चल बैठ चाची। अच्छा हाय, मैंने सोचा बेटा कि मैं आप जाके पता करके आऊं कि मेरी धी का क्या हाल है। बड़ी मेहरबानी चाची, मगर एक डेढ़ महीने से तो मैंने आपकी शक्ल भी नहीं देखी। वेख ना पुत्र, कम शम तो रोज निकल ही आते हैं, लेकिन जब कल रात मुझे शीमे ने बुला कर तुम्हारे आने को कहा तो मुझसे नहीं रह गया। मैं भी कहूँ आप आज रास्ता कैसे भूल गई, उस बदमाश कातिल ने आपको सीढ़ी बना के भेजा है। देखे ना पुत्र, तेरा अगर पीछा कोई भी नहीं, ऊपर से ये परी जवानी है, आज ये नहीं तो कल कोई और होगा। तेरी जान नहीं छूटनी पुत्र, ये मर्दों का माशरा है। वैसे भी इनके बारे में कभी सोचा, इनको कहाँ से खिलाएगी, कल ये क्या क्या करेगी? कुछ भी करूंगी, लेकिन उस गद्दे कुएं में छलांग लगाने से बेहतर है कि मैं और मेरा बच्चा जहर खा के मर जाए। औरत की इज्जत तक तो करनी नहीं आती उसे, तबाही समझकर मेरी बोली लगाई है उसने। उसके दामन पर मेरे मरहूम शोहर के खून के छींटे हैं। मैं उसका पाक खून बेचकर उसकी लानत की कमाई अपने बच्चों के मुंह में डालूं? लानत है उस बगैरत पर। घर की पना और इज्जत की पना दो तो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए औरत रोज मरती है रोज जीती है। पहले बाप की पना, भाइयों की पना, फिर खामत की पना, और आखिर में अपने बेटे की पना में अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है। मगर वो बंदा तो ऐसी छत है जिस छत में छेद ही छेद है। पुत्र, गल्ला तो तेरिया ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, मैं उसे बता दूंगी बेटा, लेकिन वो बड़ा कमीना इंसान है, वो किसी वेले भी कुछ कर सकता है। पर मेरी धी तू ध्यान से रहे और मुझे माफ कर दे कि मुझसे ये गुनाह हुआ बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे ये गुनाह हुआ। मेरा बच्चा, चुप कर जा मेरी धी, चुप कर जा। पिछले महीने तक तो मैंने खींच तान कर किसी न किसी तरह शाकर की तनख्वाह में गुजारा कर लिया था, मगर अब तीसरा महीना चल रहा है, जमा पूंजी भी सारी खत्म हो गई, क्या करूं कहां जाऊं? बाहर निकल के कुछ काम ढूंढूं कल से, शायद बच्चों के स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल जाए, या फिर घर पर कपड़े सीने शुरू कर दूं। या अल्लाह, शाकिर को छीन कर मुझे तूने किस आजमाइश में डाल दिया, आखिर तेरी क्या रजा इसमें? या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, सबर अता फरमा इन आजमाइशों से मुकाबला करने के लिए। दिल इतना सा
और इरादे इतने बड़े। वाह बेटी वाह, हिम्मत भी करती हो और डरती भी हो। ना बेटी, तुम्हें तुम्हें इस आरजी बना से निकलना होगा, खुदा पे भरोसा करना होगा। पप्पू ओए, ये मेरी सरकार है। ये कालू दो नंबर चार से भेज रहा है, इसका जायका नहीं है वो। इस कालू का भी कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं तो आपको काफी देर से कह रहा हूँ मेरी सरकार, पर आप मेरी बात मानते ही कब है? वैसे एक और बात है मेरी सरकार, और जब हम कालू के अड्डे से कल माल उठा रहे थे ना जनाब, तो सामने वाले कमरे से मुझे फीका नजर आया खिड़की में से। मैंने कालू से पूछा, कालू ये फीका तो कि मेरे से रंग बाजियां कर रहा, वो साफ मुकर गया। वो कहता है यार पप्पू कैसी बातें कर रहा, अभी कोई गल है मेरी सरकार। ओए पप्पू। जी सरकार। फिर की कर इनको अंदर से। अरे खतरे की बू आ रही है। ये जो फीका है ना, ये पैसे लेके कत्ल करता है और हमारे साहब के लिए भी काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये फीका हमारी मुखबरी कर रहा है। मेरे ख्याल में हमारे साहब को पता चल गया है कि मैं उनके मुखालिफ बंदे के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे मेरी सरकार? तैयारी पड़ो है, इस कालू को तो निपटे जाके। उठो है। ओए सु, बाहर आ। ओए अंदर आ। क्या हो गया चाचा? भगवान जी, अच्छी में ओए, तो मैं जानता हूँ ये तेरा कारनामा है। तू मल्ले था, उस वजह से कह रहा हूं कि ये जो चौधरी लोग होते ना, किसी के खिलाफ हो जाए तो जमीन में दफन करके ही चैन लेते। और मासी को तंग करने से भी तू बाज नहीं आया। अजरीना को कार में जा उसके करने के लिए। ओए, देखो चीमे, ओए, ओए, अभी तक जबानी सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि हाथ का कहा तुझसे सहा नहीं जाएगा। ओए, कम से कम शरीफ लोगों की इज्जत करना तो सीख ले। फरमाके इस वक्त मैं बड़ा खुश हूं, कोई बदमजगी नहीं चाहता। खुदा का शुक्र है जो तुम्हें ये काम मिल गया और रोटी का कुछ आसरा हो गया, वरना उधार वालों ने तो हमारी जान खा रखी थी। हाँ याद आया, वो माखे ने दो बंदे दूर दूर से हमारी हिफाजत को रखे हैं, मैंने खुद देखे हैं, इसीलिए तो छीमे के बंदे नजर नहीं आते। अच्छा मासी, मैं ये कपड़े मलिक साहब के घर दियूं और उनसे कुछ पैसे ले आऊं। अदील बता रहा था कि कल तक अगर स्कूल की फीस जमा न कराई गई तो स्कूल से नाम कट जाएगा। अरे वाह, आज अकेले जाने की हिम्मत कैसे कर ली बेटी? पूरी दो कलियां दूर है। खैर अच्छी बात है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा ना बेटा। चलो बेटा, चलो जाओ।
खैर तेरी नफीसा, आज कैसे हिम्मत कर ली, और वो भी अकेले में। हम तो कब से इस दिन के इंतजार में मरे जा रहे थे। तू तो हमें खाम खा बद दिल है मुझसे। मेरी बात मान जा, ऐश करेगी ऐश। हाँ, चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तुम लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए तो अपने बंदों के मोहताज हो, किसी और की हिफाजत क्या करोगे? यूं कह के तेरे यार ने तेरी हिफाजत के लिए बंदों का इंतजाम कर रखा, पर मैं उससे डरता नहीं हूं। ये तुझे आज पता चल जाएगा। इंतजार करना। चीरे ने मुझे इत्तला कर दी थी, मुझे आने में देर तो नहीं हुई। तमीज़ी तो नहीं की उसने? अगर किया तो कसम से काट डालूंगा इधर। हाँ हाँ, काटो मारो, तुम लोगों का तो काम ही है। सुलह सफाई से तो तुमसे कोई बात हो नहीं सकती ना। ओ मैडम जी, ओ वो बड़ी टेढ़ी कुत्ते की दम है, वो ऐसे नहीं समझेगा। ओ मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह जानता हूँ। बस बस मोहम्मद इकलास, बस अब आप जाएं, नहीं तो मैं बता हो जाऊंगी। जी वो बाजी सलमा घर पर है, उनको ये कपड़े देने थे और सिलाई के पैसे भी लेने थे। ये सलमा तो घर पे नहीं है, मैं हूं ना, सारी सिलाई दे दूंगा। मेरी सिलाई के पैसे इतने ही हैं, बाकी पैसे यतीम खाने में बच्चों को दे दीजिएगा। तुम आई देख लैंड क्लियर है। कोई नहीं है मेरी सरकार, कोई नहीं है। आज मैं उस माखी और उस बड़ी गैरतमंद नफीसा दोनों की आकड़ बन दूंगा। कल फिर अपना मुंह काला करा के अपनी लोड़ को मेरे पास आएगी। वो सब तो ठीक है मेरे शिकरे पर, उस माखी का क्या करना होगा भाई? माखा माखे को उड़ाने के लिए मैंने बाहर के बंदे भेज दिए हैं। बाहर के बंदे सुथरा काम करते हैं, सारा टाइम टाइम मुक जाएगा और फिर यहाँ का बेताज बादशाह होगा। चीमा अगर आप गए तो मैं आपके साथ आऊं। नहीं पप्पू, ये चांद तो चीमा कल ही चढ़ेगा।
आज मैं तेरी और तेरे यार दोनों की गैरत का जनाजा निकालूंगा, फिर सारी हयाती याद रखेगी चीमे से मत्था लगाने का अंजाम। और हाँ सच है, तेरे साथ अफसोस भी करना था, तेरे भोले खसम को ना मैं नहीं मारा था। औरत चाहे जिस रूप में हो, हर इज्जत के काबिल होती है। हाँ जाओ अपने घर की खबर ले, वो जो तेरा चौधरी था ना, जिसके लिए तू अगवा करता था, कत्ल करता था, हाय हाय, आज उसने तेरी बहन को मार करने के लिए बंदे भेजे। वक्त है सुन जा, हम एक चाचे ताई के, आज मैं जाता तो ओ खैरियत तो है ना मासी, मुझे बंदा भेज के क्यों बुलवाया, सब ठीक तो है ना? मुझे तो पता नहीं, शायद नफीसा ने बुलाया होगा, उसी से पूछ लो जाके। आप दोनों क्यों परेशान कर रही हो मुझे, सीधी तरह बताते क्यों नहीं? मोहम्मद इखलाक साहब, आप अगली 21 तारीख को फारिग हैं, काम था एक छोटा सा आपसे, देखें अगर दिल ना माने तो बिला झिझक इनकार कर दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैडम जी आप हुक्म तो करो, मेरी ये मिजाल के मैं इनकार करूं? मासी जी अगर आप बात करें तो मुनासिब नहीं होगा। बेटा नफीसा चाह रही थी कि 16 को इद्दत खत्म हो जाए तो किसी मस्जिद में जाकर सादगी से निकाह कर लिया जाए। पर मासी मैं क्या कर सकता हूं? भाई हाँ ना तो कर ही सकते हो ना, आखिर लड़के जो तुम ही हो।